हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी यजुहब ऑनलाइन क्लासेज। 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो लाइसोसोम। देखें, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब होता है पाचन और सोमा का मतलब होता है काय। ऐसा काय या ऐसी संरचना जो कि पाचन करती है वो लाइसोसोम कहलाता है। इसकी खोज और नामकरण, खोज किसने की? डी ड्यू 1955 में। नामकरण भी किसने किया? डी ड्यू ने ही किया। यानी खोज भी और पाचन दोनों, सॉरी, खोज और इसका नामकरण जो है वो डी ड्यू ने ही किया था। डी ड्यू ने इसकी खोज किसमें की, कहाँ देखा इसको सर्वप्रथम? तो लीवर कोशिकाओं में, यकृत कोशिका। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, उस कोशिकाओं के अंदर इसको खोजा था। अब आता है इसके अंदर वही जो कि हमने लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर पढ़ा था, गोल्गी बॉडी में पढ़ा था कि गोल्गी बॉडी किस में पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। वो था यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है। यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है ये एकल झिल्ली युक्त होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि एकल झिल्ली युक्त होता है। तो आप बताएं किस में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में? ये पाया जाएगा यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। राउंड होता है, यानी कि ये गोलाकार होता है, इसका जो आकार है, संरचना जो है वो गोलाकार है। इसका व्यास जो होता है वो 0.25 to 0.8 μm होता है। संरचना जो है वो थैलेनोमा होती है, बैग के समान होती है। लाइसोसोम जो है इसकी संरचना थैलेनोमा होती है। लाइसोसोम के अंदर, अभी हमने ऊपर बात की कि लाइसोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लाइसोसोमा पाचन काय, इनकी इसमें पाचन होता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है इसमें 50 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, 50 प्रकार से के या फिर 50 से ज़्यादा हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन एंजाइम होते हैं। इसी प्रकार का जो पदार्थ होता है उसको पचाने में ये कार्य करते हैं। 50 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है। लाइपेज जो होता है वो फैट जो होता है, वसा, उसका पाचन करता है। प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल जो होते हैं उसमें ये तोड़ने का कार्य करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है इसको मोनोग्लिसराइड में चेंज करता है। ये जटिल जो अणु होते हैं वसा के, उनको सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? अब ये हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडी के फंक्शंस में, गोल्गी बॉडी के कार्य में। तो वहाँ पढ़ा था हमने कि गोल्गी बॉडी जो होता है ये निर्माण करता है लाइसोसोम का, तो वो चीज़ यहाँ भी आ जाती है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्गी बॉडी से और ईआर से। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। यहां से इसका डायग्राम देखेंगे, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो होता है हेलेनोमा संरचना है, चारों तरफ इसके एकल झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड से। किससे मिलकर बनी है? फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर
हमने पढ़ा है अभी कि इसमें 50 से भी ज़्यादा प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बीच के अंदर मध्य में ये कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सभी एंजाइम जो है वो एक जगह यहाँ पर एकत्रित हैं। इसके बीच बीच में इसका जो द्रव पार्ट है बीच का, उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से इसमें तीन पार्ट हो गए। बाहर की ओर एक झिल्ली है, एकल झिल्ली, जो किसकी मिलकर बनी है, फास्फोलिपिड से बाई लेयर, यानी कि एकल झिल्ली है जो किससे मिलकर बनी है, फास्फोलिपिड से। बीच में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जगह जगह पर प्रोटीन लगे होते हैं, प्रोटीन्स। ये टोटल इस प्रकार से मिलकर बना है, क्या कहलाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम जो है ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो होता है कोशिका के कोशिका द्रव में बनने वाले प्रारंभिक जो लाइसोसोम होते हैं, नए जो बनते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, यानी कि सर्वप्रथम बनने वाले जो लाइसोसोम हैं, सबसे पहले जो बनते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक। इस प्राथमिक जो होते हैं इसमें नवजात एंजाइम भरे होते हैं। नवजात का मतलब तुरंत बनने वाले जो एंजाइम है, सबसे पहले जो बने हुए एंजाइम है, नए जो एंजाइम है वो इसके अंदर भरे रहते हैं। और प्राथमिक जो होता है इसका निर्माण भी गोल्गी बॉडी और ईआर से होता है। तीन पॉइंट है प्राथमिक में। प्राथमिक का निर्माण किससे होता है, गोल्गी बॉडी और ईआर से। बनते कैसे हैं, प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले बनने वाले जो लाइसोसोम है वो प्राथमिक लाइसोसोम कहलाते हैं, और इसमें एंजाइम जो है वो नवजात प्रकार के होते हैं। द्वितीयक जो लाइसोसोम है वो जीव द्रव्य कला के भक्षाणु क्रिया के दौरान होता है। जीव द्रव्य कला जो होती है, जब उसका भक्षाणु होता है यानी कि उसका पाचन होता है, उसके बाद में इसका निर्माण होता है। नॉट इम्पोर्टेंट जो बात है लाइसोसोम की, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम एक इस प्रकार का कोशिकांग है जो अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है, इस वजह से इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है, देखिए, किसी कारणवश, कोई भी रीजन, किसी भी कारण से कोशिका में उपस्थित लाइसोसोम यदि फट जाता है, लाइसोसोम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, इसकी सेल यहाँ से टूट गया। टूटने से इसके जो एंजाइम है वो किस में आ जाएंगे, बाहर कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में आने से एंजाइम जो है वो किस प्रकार के हैं, पाचक एंजाइम है। ये पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में आकर कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिका के अवयव हैं उन सभी अवयवों को क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे उनका, उनको नष्ट कर देंगे। जब कोशिका के सभी अवयव नष्ट हो जाएंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट। इस वजह से जो लाइसोसोम है इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग। देखें, किसी कारणवश लाइसोसोम जो है वो कोशिका में यदि फट जाता है तो इसके एंजाइम जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर ये एंजाइम कोशिका अवयवों का पाचन कर देते हैं जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, और इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता रहता है, पूछा जाता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्यों, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाए। तो इस प्रकार से लाइसोसोम जो है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इस पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।